नमस्कार दोस्तों, मोचने वी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो कई बंदे मुझे सवाल कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट कोर्स के बारे में, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। देखो, ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट जो डेक क्रेडिट होता है उससे एकदम अलग है। जो डेक क्रेडिट होता है, आप लोग देखते हो, एक साल का कोर्स होता है। इंडिया में अगर करते हो आप लोग तो एक साल का पूरा कंटिन्यू 12 मंथ का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट होता है वो एकदम अलग होता है। ये 3.5 या 4 मंथ का कोर्स होता है जो ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट होता है। 2-3 कॉलेज है, जैसे कमांडर हिल हो गया, और भी 1-2 कॉलेजेस और हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन से टाइप करके या इंडिया से चलाते हैं, मतलब वो लोग ऑस्ट्रेलियन डेक्रेडिट करवाते हैं, मतलब दोनों कंट्रियों से टाइप कर लिया गया। तो जो ऑस्ट्रेलियन डेक्रेडिट है वो बेसिकली आप 3.5 मंथ का यहाँ पे इंडिया में जैसे कोर्स होगा, जैसे जनरल जीपी रेटिंग कोर्स होता है, वहाँ पे भी यहाँ पे आपको 3 मंथ के लिए ही पढ़ाया जाएगा। जो भी बेसिक नॉलेज होगी उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद 3.5 मंथ के बाद आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको वही कॉलेज वाले आपको 18 मंथ के लिए ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भेजेंगे, शिप पे भेजेंगे, जो कि आपका वो होता है सी टाइम कंप्लीट करना होता है। तो आप 18 मंथ के लिए सी पे जाओगे, शिप पे जाओगे, जो भी कंपनी के थ्रू जाएंगे, जिसका भी टाइप करा होगा उन कंपनियों ने, तो आपका पूरा टाइप कर दिया रहता है जब भी आप जाओगे ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट करने। तो 3.5 मंथ के बाद आपको जो भी CDC वगैरह मिलेगी उसके बाद आप जाओगे 18 मंथ के लिए ट्रेनिंग के लिए। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हो, फिर आपको जो तीसरा स्टेज होता है उसमें आपको ये लोग भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया, 8 मंथ के लिए भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट होगा, जो मेड का एग्ज़ाम होता है, जो 8 मंथ का जो पूरा प्रोसीजर होगा, वहाँ नेक्स्ट पढ़ाई अब आपकी वहाँ पे होगी ऑस्ट्रेलिया में। तेजमेनिया है और भी 2-3 कॉलेजेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। वहाँ से आप 8 मंथ पूरी ट्रेनिंग करोगे, उसमें आपका ओवरऑल होगा, प्रैक्टिकल होगा, फाइनल एग्जाम होगा, सब क्लियर करने के बाद आपको, अगर आप वहाँ से क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपको COC मिलती है, कॉम्पिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट। तो बेसिक यही है, नॉर्मल स्टेज है, इसका ज़्यादा कुछ वो नहीं है। इसमें बस आपको ये करना रहता है, 3.5 मंथ की ट्रेनिंग करनी रहती है। यहाँ जैसे आप डेक क्रेडिट कर रहे हो एक साल का, तो यहाँ पे 3.5 मंथ की करनी पड़ेगी। उसके बाद 18 मंथ ऑन बोर्ड शिप पे जाओगे, ऑन बोर्ड करने के बाद आओगे, उसके बाद दोबारा आपको इसी कॉलेज, जो कॉलेज से टाइप किया वो आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। तो ओवरऑल जो खर्चा होता है इसका, ओवरऑल लग जाता है 11 से 12 लाख रुपए आपका लग जाएगा COC निकाल के। और यहाँ जो कॉलेज का जितना फीस होता है, जैसे यहाँ पे आप करोगे ट्रेनिंग, 3.5 मंथ का ट्रेनिंग करोगे, यहाँ पे आपका 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा, 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा। जब ऑन बोर्ड आपको भेजेंगे तो उसका भी पैसा चार्जेस लेते हैं ये लोग, 3 से 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख भी हो सकता है। तो ओवरऑल 5 लाख, 5.5 लाख यहाँ पे लगेंगे, और 6.5-7 लाख रुपए जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, जब मेड का एग्जाम देने जाओगे, COC का एग्जाम देने जाओगे, तो वहाँ पे लगेगा। तो इसका ओवरऑल ड्यूरेशन हो जाता है, लमसम आपको बता दूँ, मतलब आपको कम से कम 30 मंथ लग जाएंगे COC निकालने के बाद थर्ड ऑफिसर बनने में। तो ओवरऑल इतना टाइम लगेगा आपका, जो भी बंदा एज ए डेक क्रेडिट करना चाहता है, ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट। तो ये अलग है, डेक क्रेडिट से एकदम अलग है। जो भी बंदा सोच रहा है कि डेक क्रेडिट 1 साल का है तो ये भी 1 साल का होगा, ये इससे थोड़ा सा अलग है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है, आप लोग को बता दूँ, क्वालिफिकेशन आपकी मांगेंगे ओवरऑल 50% होना चाहिए PCM में, 12th में, ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में, मतलब 50-50% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। हाइट आपकी 157 होनी चाहिए, वेट का कोई मसला नहीं, 50 kg से ऊपर चलेगा। तो हाइट और वेट का कोई मसला नहीं, आंखें आपकी सही होनी चाहिए, आई साइड बराबर होनी चाहिए दोनों, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सारा मिला के आपका ये ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट है, जो भी कई बंदे कमेंट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में मैंने यही बताया, सिंपल सा। आप बहुत कॉलेज है इंडिया में, आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हो, जो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस बहुत हैं जो कि टाइप करके वहाँ से चला रहे हैं। तो जो भी होगा मेरे को कमेंट करना। आज के लिए मैं छोटी सी वीडियो बनाया ऑस्ट्रेलियन डेक क्रेडिट के ऊपर। सो आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।